शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियोस में मैंने डाला था कि हमें भगवान भोलेनाथ के पूजन में, महाशिवरात्रि के पूजन में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। महाशिवरात्रि से रिलेटेड और भगवान भोलेनाथ की भक्ति से रिलेटेड, पूजा आराधना से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर आइए। जैसे कि आप सभी को पता है कि वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन वर्ष की दो शिवरात्रियाँ बहुत ही ज़्यादा विशेष होती हैं। एक तो फागुन मास की और एक श्रावण मास की। तो आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास की शिवरात्रि की पूजन विधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो सामग्री है इसे लेकर के आप मंदिर में जाकर के भी सेम पूजा कर सकते हैं, या फिर आप यदि घर पे पूजन कर रहे हैं तो आप एक चौकी बिछा लें, उसके ऊपर आप सफ़ेद वस्त्र बिछा लें और बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र का पत्ता रखें और उसके ऊपर शिव परिवार को इस प्रकार से विराजमान करें। क्योंकि देखिए, बहुत ही बड़ा पर्व होता है तो इस दिन आप कलश की स्थापना अवश्य रूप से करें। तो कुछ आप अक्षत डालें और अष्टदल कमल बना करके हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। अब ये जो पूजन है, वैसे तो मुख्य रूप से ये पूजन शाम को, यानी कि जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन शाम को प्रदोष काल में किया जाएगा, लेकिन जैसे भी आपके पास समय सुविधा हो आप वैसा भी कर सकते हैं। और देखिए, हमने कलश को कंठ तक जल से भर लिया है। थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ डाल करके और पंच पल्लव लगा लें, इस तरीके से टीक लें। तो कलश स्थापना की भी वीडियोस मैंने कई बार आपको बताई हैं कि किस प्रकार से कलश स्थापना की जाती है। क्योंकि आज के दिन हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो देव कलश बनाएंगे, यानी कि इसके ऊपर हम नारियल की जगह पर एक दीपक रखेंगे और यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बना देंगे। कंठ में मौली लगा दी है हमने कलश के, इस प्रकार से स्वास्तिक भी हमने चंदन से बनाया है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पूजन में अष्टगंध चंदन का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कुमकुम आदि नहीं लगाए जाते। तो देखिए, इसके बाद में हम इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी कि थोड़े अक्षत रखेंगे किसी भी प्लेट में और उसके ऊपर हम एक खड़ी बाती वाला यानी कि गोल बाती का एक दीपक जलाएंगे। ये देखिए, वैसे अगर आप पूरी रात्रि भर जागरण नहीं कर पा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो आप इस प्रकार से बड़ा सा दीपक रखें ताकि वो रात भर जलता रहे, तो आपका पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है रात्रि जागरण का। और इसके बाद में हम देखिए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। शिवलिंग अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके भी उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हम शुद्धिकरण कर लेंगे, जल का छींटा दे देंगे सारी सामग्री के ऊपर और सब पर, और हाथ में कुशा अक्षत पुष्प लेकर के, अगर आपके पास कुशा नहीं है तो आप अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भोले शंकर, हे माता पार्वती, हे गौरी गणेश मैया और कार्तिकेय जी, वरुण कलश देव जी, हम सभी आपका आवाहन करते हैं, आप सभी हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और यहाँ पर पधारिए ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। इस तरीके से प्रार्थना करें कि सभी देवी देवता हमारी पूजा में यहाँ पर पधारे। उसके बाद में हम वरुण कलश देव का जो हमने दीपक यहाँ पे लगाया है उसको हम प्रज्वलित कर देते हैं। और इसके बाद में हम देखिए, जो हमने शिवलिंग लिया है उनका हम अभिषेक करते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के भी सेम इसी विधि से अभिषेक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जल से अभिषेक करेंगे। जब आप ये पूजन करते रहेंगे तो आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। इस प्रकार से हम जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य रूप से मिला लें, बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। इसके बाद में आप पंचामृत से इस प्रकार से अभिषेक कराएंगे। और आप चाहें तो देखिए, पंचामृत की जो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, ये सब अलग अलग भी आप अभिषेक करा सकते हैं या फिर एक साथ मिला करके भी आप अभिषेक करा सकते हैं। इस भगवान भोलेनाथ इतना श्रृंगार से प्रसन्न नहीं होते हैं जितना शिवलिंग के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करना है, चाहे घर पे करिए, चाहे शिवालय में करिए, या फिर मिट्टी का बना करके करिए, या इस प्रकार से कोई भी शिवलिंग आपके घर में हो उनका आप करिए। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद में हम करते हैं शुद्धोदक स्नान कराते हैं। बिल्कुल एकदम जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है ना उसे अच्छे प्रकार से हटा देते हैं, बिल्कुल भी सामग्री इस पर नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए, आप चाहें तो गंधोदक स्नान यानी कि जो अष्टगंध चंदन है उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाएं, उससे आप अभिषेक करा सकते हैं। अलग अलग मनोकामना की पूर्ति हेतु अलग अलग प्रकार के पदार्थों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। उससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे रुद्राभिषेक की वीडियो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। उसके बाद में फिर से हम शुद्धोदक स्नान कराते हैं। आप चाहें तो देखिए, जिस थाली में हमने अभिषेक कराया यहीं पर भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप उनका अंग पोषण करने के बाद में श्रृंगार करें, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये जो जल है इसको किसी तुलसी के गमले को छोड़ करके आप कहीं भी किसी भी गमले में इस जल को आप डाल सकते हैं। उसके बाद में
फिर से हमने एक बिल्व पत्र रखा है, बिल्व पत्र मैंने सीधा रखा है, उसके बाद में शिवलिंग को विराजमान किया है और एक हम धूप दीप यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम पूजन करेंगे तो हम धूप दीप समर्प्यामी करेंगे, समर्पित करेंगे सभी को, तो धूप दीप आप एक अलग से प्रज्वलित कर ले। उसके बाद में फिर से हमने जल का छींटा दिया है और जो दीपक हमने प्रज्वलित करा है उनका हम पूजन कर देंगे, थोड़े से अक्षत आदि लगा करके, गंध अक्षत आदि लगा करके पुष्प में। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें टीका करेंगे, उन्हें हमने देखे चंदन से तिलक किया है, रोली से तिलक किया है, कुमार कार्तिकेय का हम टीका करेंगे और भगवान भोलेनाथ का हम पूजन करेंगे। अब देखिए जैसे महाशिवरात्रि है, आप सुबह के टाइम उठ करके सिंपल साधारण सा पूजन कर लें, अपने व्रत का संकल्प ले लें, पूजा का संकल्प ले लें, और उसके बाद में ये जो विशेष पूजा है वो शाम के टाइम प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त से 40-45 मिनट पहले का होता है, 40-45 मिनट बाद का होता है, तो करीब करीब 1.5 घंटे का ये समय होता है, तब आप इस पूजन को करें। तो शाम को ही विशेष ये पूजन करना है महाशिवरात्रि में। वैसे तो देखिए महाशिवरात्रि की रात में 4 प्रहर की पूजा का विधान है, हो सका तो वो सारा विधान मैं आपको किसी अन्य वीडियो में सारा समझा दूंगी, लेकिन प्रदोष काल में निषेध काल में सेम आप इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है, इसी प्रकार से हमने वरुण कलश देव का भी पूजन कर दिया है और उसके बाद में हम जो शिवलिंग है उनका हम श्रृंगार करेंगे। तो हमने यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर देखिए थोड़ी सी हमने यहाँ पर भस्म अर्पित करी है, अबीर गुलाल अर्पित किया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और जनेऊ अर्पित कर दिया है। और यहाँ पर देखिए बिल्व पत्र किस प्रकार से हमें अर्पित करना है, ऐसे उल्टा करके करते हैं, थोड़ा सा चंदन लगा लें, थोड़े से अक्षत यहाँ पर आप रख सकते हैं, आप चाहे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना हो उसे लिख करके भी आप बिल्व पत्र यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। आप 5, 7, 11, 21, 51 जितने चाहें 108 बिल्व पत्र आप अर्पित कर सकते हैं। आग का यानी कि मदार का फूल, सफ़ेद मदार का जो एक फूल होता है वो हजारों फूल पुष्प अर्पित करने के बराबर होता है, तो वो ज़रूर अर्पित करें। शमी का फूल यदि आपको मिल जाता है, शमी के पत्ते यदि आपको मिल जाते हैं वो आप अर्पित करें। तो इसमें से देखिए बिल्व पत्र बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, आप जो चाहे कोई भी फूल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, यदि आप मदार का फूल चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा बहुत ही विशेष हो जाती है। उसके बाद में अगर आपको भांग मिल पाती है तो भांग अर्पित करें, और ये देखिए मदार के पत्ते 5-7 जितने चाहें उतने आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे एक भी अर्पित कर सकते हैं। और देखिए दूर्वा हम यहाँ पर गणेश जी को और नंदी बाबा को इस प्रकार से अर्पित कर देंगे, बाबा भोलेनाथ को भी आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में धतूरा मिल जाता है, जितने भी आपको धतूरे मिल जाते हैं आप भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करें, कांटेदार फल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इस प्रकार से आपको एक भी मिल जाता है तो भी काफ़ी है, धतूरे के फूल यदि मिल जाते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, धतूरे के पत्ते मिल जाए। और यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर फल मिल गया है, मदार का आग का फल मिल गया है, वो भी मैं यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। तो उसके बाद में कनेर का फूल अत्यधिक प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को, और पीले फूल जो भी मिल जाए, सफ़ेद पीले फूल मिल जाए, बस भगवान भोलेनाथ को केतकी का और केवड़े का फूल नहीं चढ़ता है, इसके अलावा कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं, सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो ये जो विशेष पूजा होनी है वो शाम को प्रदोष काल में होनी है, आप चाहें तो निषेध काल में भी कर सकते हैं, सेम इसी विधि से आप शिवरात्रि के 4 प्रहर में भी सेम इसी विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो सभी को देखिए माता गौरी को और गणेश को हमने लाल पुष्प अर्पित किया है, वरुण कलश देव को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे, और इसके बाद में आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं गौरी मैया को, जितने भी आप पे बन पाए 5 या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री आप ज़रूर भेंट करें गौरी मैया को, और इत्र ज़रूर लगा दें सभी देवी देवताओं को, आप चाहे तो कॉटन में लगा करके भी इत्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने जनेऊ वस्त्र आदि अर्पित किया है वहाँ पर भी आप इत्र लगा सकते हैं। उसके बाद में गौरी मैया को इस प्रकार से आप सिंदूर ज़रूर लगाएं, सिंदूर लगाने के बाद में देखिए आप 5 बार या 7 बार सिंदूर लगाएं, और उसके बाद में माँ से प्रार्थना करके वही सिंदूर आपको अपनी मांग में अवश्य रूप से लगाना है। आप चाहे तो देखिए आपका जो चुनरी है, जो भी आपने उड़ाया ना उसके पल्लू से भी आप ले सकते हैं सिंदूर को, और जो भी आपके जाप की माला हो, अगर रुद्राक्ष की माला है या फिर कोई भी अन्य माला, तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए, वो आप भोलेनाथ को पहना दें, रुद्राक्ष की माला ज़्यादा शुभ रहती है, पहना दीजिए। और देखिए बिल्व पत्र रख करके हम जो भी भोग प्रसाद है भगवान भोलेनाथ को जो भी हम अर्पित कर रहे हैं उसमें आप बिल्व पत्र यदि रखते हैं तो भगवान बहुत ही ज़्यादा सहर्ष होकर के उसे स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि फलाहारी व्रत होता है तो सभी फलाहारी हम भोग लगाएंगे, जो भी आपने बनाया हो, यहाँ पर मैं देखिए चौलाई के लड्डू और फलों का भोग लगा रही हूँ, जो भी आपने मीठा फलाहारी भोजन बनाया हो वो सब आप अर्पित करें, और उसके बाद में सभी को हम धूप दीप यहाँ पर दिखा देंगे।
और डमरू की जो ध्वनि है वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है। तो भगवान भोलेनाथ को आप डमरू की ध्वनि अवश्य रूप से सुनवा दें इस प्रकार से। और उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। कपूर से आरती जो होती है कर्पूर, यानी कि सारी चीज़ों को पूर्ण कर देती है कर्पूर की आरती। तो आप कपूर से आरती अवश्य करें, गणेश जी की आरती करें, भगवान भोलेनाथ की आरती करें, वरुण कलश देव की इस प्रकार से आप आरती करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। तो इसी विधि से हमें महाशिवरात्रि की रात को पूजन करना है शाम के टाइम प्रदोष काल में। और उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और देखिए, जब आप पूजन कर रहे हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। और जब हमारी आरती संपूर्ण हो जाएगी तो हम जल की आचमनी करा देंगे इस प्रकार से। और देखिए, क्योंकि देखिए ये पूजा हम स्वयं कर रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की जो भी न्यूनता अधिकता हो गई है उसको दूर करने के लिए आप दक्षिणा अवश्य रखें। और इस दक्षिणा को बाद में योग्य ब्राह्मण को दे दें, क्योंकि देखिए ये कर्मकांड तो होते ही ब्राह्मणों के हैं। यदि हम स्वयं से कर रहे हैं तो उनके नाम का आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से निकाल के रखनी है। प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। इस दिन आप चाहें तो पूरी रात्रि पर जागरण भी कर सकते हैं, श्रावण महात्म्य को आप पढ़ सकते हैं, या फिर शिव महापुराण का भी आप पाठ कर सकते हैं। और अपनी जप की माला पर, रुद्राक्ष की माला पर शिव भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जैसा भी हो, पूरी रात्रि हो सके तो जागरण करिए। अगर आप जागरण भी नहीं कर सकते हैं तो जो आपने कलश की स्थापना करी है उसके दीपक को आप पूरी रात्रि भर जला रखिए। वहीं पर भोलेनाथ के पास में लेट करके आप वहीं पर अपना आसन लगा लें, वहीं पर आप शयन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में रह करके। तो आपकी जो रात्रि है वो महारात्रि हो जाती है और आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि शिवरात्रि पूजन से रिलेटेड ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।